एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम लोनावला। वी आर इन लोनावला राइट नाउ और सॉरी थोड़ी पंखे की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली इट्स टू हॉट आउट हियर गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। हम सोचे थे कि थोड़ी सी ठंडी होगी, पुणे फिर भी बेटर है, यहाँ से लोनावला से फिर भी बेटर है पुणे। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए फ़ैन ऑन किया है और पीयू यहाँ पे बैठी, अगर ये नहीं रहती तो थोड़ा फ़ैन ऑफ कर सकती थी, बिकॉज बड़ी क्रैंकी हो रही तो इसलिए फ़ैन ऑन किया। एंड लुक एट मी, आई एम सो एग्जॉस्टेड राइट नाउ। मैं इसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगी। एक्चुअली वी आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो हम पुणे से मुंबई गए थे, फिर मुंबई से फिर वापस आए हैं यहाँ लोनावला। तो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ रीज़न बिहाइंड दिस। सो या स्टे ट्यून्ड। कितना भाग रही है। पियो रुको, पियो पियो बेटा, पियो बेटा। सो आने के बाद मैं फिर सो गई थी, तो अभी हो रहा है 5 और अभी मैं पियो को लेके आई हूँ यहाँ नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्लेग्राउंड टाइप का एरिया है, यहाँ पे पियो थोड़ा सा प्ले कर रही थी और फिर भाग के ये कंक्रीट पे आ गई है। ये देखो इसको, पियो बेटा उठो बेबी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज हम लोग सिर्फ रेस्ट यहाँ रिजॉर्ट में ही थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत खेल रही थी, वो सारे क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद वी विल गो समवेयर। तो जहाँ भी जाएंगे आई विल टेक यू अलॉन्ग विथ अस। लुक एट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कॉस्ट्यूम ब्रश करके आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। और मैंने कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ रखा ही नहीं है कुछ खुद के लिए। So this is my plate, this is Lambert's plate. कॉपी कैट हो गई है, देखो देखो अभी यहीं से चढ़ना है उसको, यहीं से चढ़ना है, यही शॉर्टकट। बेबी देखो, बेबी रैबिट, पियो रैबिट कम हियर, कम हियर बेटा, पियो बेटा चली। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम वैक्स म्यूज़ियम आ गए थे। वैसे तो लोनावला में बहुत सारे वैक्स म्यूज़ियम हैं, बट ये जो म्यूज़ियम था ये हमारे रिजॉर्ट के पास में था, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। वैसे तो सारे स्टैचूज़ वगैरह रियल लग रहे थे, पीयू बहुत देख के डर भी रही थी और साथ में इंजॉय भी कर रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं जो कि आपको आगे वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अन्ना हजारे बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि अभी आँख खोल देंगे। तो यहाँ है जैकी चैन, हैरी पॉटर, मदर ट्रेसा, बहुत सारे स्टैचूज थे और पीहू इन सब को देख के बहुत ज़्यादा डर रही थी। एज यू कैन सी वो पापा की गोदी बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही। हम चले गए थे मिरर मेज़ में जो कि जस्ट बगल में था। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं खुद को देख के मिरर में, तो पीहू यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। एज यू कैन सी उसको लग रहा है कि इतने सारे पीहू कहाँ से आ गए हैं। Thank you.
ओके गाइस, सो वी केम एट दिस रेस्टोरेंट फॉर मम्मीज होमली फूड फॉर डिनर। तो हमने लिया है दो वेज थाली एंड आई विल शो यू द थाली। उसके खाने के बाद मैं रिव्यू दे पाऊँगी कि कैसा थाली है। दिस इज़ द थाली। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, एज यू कैन सी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वाली है भाखरी वाली थाली, भाखरी की रोटी। फूड वॉज रियली यम्मी गाइस, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप लोनावला आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। तो कल के बाद आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली कल हम आइकिया चले गए थे, तो आइकिया का ब्लॉग इससे पहले आया होगा या फिर इसके बाद आ सकता है, आई डोंट नो। तो आप वो चेक कर लेना। और अभी हम जा रहे हैं टाइगर पॉइंट, तो उसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ हम जा रहे हैं टाइगर एंड लॉयन पॉइंट, जो कि 14 किलोमीटर था हमारे रिजॉर्ट से। एंड लुक एट द व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू था। वैसे तो अभी सीज़न नहीं था, हम ऑफ सीज़न में गए थे, बट व्यू बहुत ही अच्छा था। और रोड वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, सो दैट कि जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट हो। तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो मेनली इस पॉइंट पे कपल्स जाते हैं पुणे से, मुंबई से, जस्ट इंजॉय करने के लिए। वहाँ पे जाके मैगी वगैरह खा सकते हैं, या फिर अगर आप पिकनिक के लिए सोच रहे हैं तो दिस इज़ आल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। देखो देखो नज़ारा, देखो टाइगर पॉइंट जाने का। नज़ारा टाइगर एंड लॉयन पॉइंट का काफ़ी सुंदर व्यू था। वैसे तो ऑफ सीज़न था, बट व्यू भी काफ़ी अच्छा था और भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो कोरोना के टाइम पे भीड़ ना हो तो वही अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो इस वजह से हम ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए, क्योंकि बिकॉज हमारे पास पीहू थी, उसको ठंड ना लग जाए, इस कारण से हम बहुत ही जल्दी आ गए। करीब 10-15 मिनट ही रुके होंगे। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत वीडियोज़ लिया और फ़ोटोज़ क्लिक किए, फिर वापस हम आ गए। तो टाइगर पॉइंट के रास्ते में ही आपको कई सारे क्रॉकरीज के शॉप मिल जाएंगे। एक लाइन से काफ़ी सारे शॉप्स थे, तो यहाँ पे मैं एक शॉप का नाम डाल दे रही हूँ, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू नो। तो काफ़ी सारे शॉप्स थे और हम यहाँ पे रुके थे जस्ट टू सी द कलेक्शन, और अगर कुछ पसंद आता तो ले लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे कप्स रखे हुए हैं, तो काफ़ी प्रिटी प्रिटी प्लेट्स थी, कप्स थे, डिफ्यूज़र वगैरह था, बट प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे। जैसे कि 350 का कप्स का सेट था, 6 का, 450, 500 इस टाइप का था। मेरा तो सिरामिक की चीज़ें देखते ही मन इतना अच्छा लगने लगता है ना। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर लैम्प वगैरह भी थे, बट बहुत ज़्यादा प्राइस ही बता रहे थे। इससे सस्ता तो मुझे अमेज़न पे मिल जाता है, इवन पुणे में भी मुझे इससे सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं। ये जो लैम्प देख रहे हो, इसका प्राइस हमें 700-800 रुपये बता रहा था। ये वाले फोर वाले, ये वाला 2500 रुपये का है, ये 1650 रुपये का है, ये 1200 रुपये का है, ये 1800। ये तो छोटा सा ब्लॉक ही है, पेंटिंग वाला। ये वाले सस्ते हैं, ये 350 का है, ये 750 का है, 650 का है, ऐसा है। तो हमने यहाँ पे दो मिट्टी के तवे लिए, जो कि सही रेट पे मिल गया मुझे, तो 100 रुपीज़ ईच था ये। तो वापस आते समय हम आ गए थे तुंगरली लेक। तो ये है वो लेक, तो काफ़ी अच्छा था, पानी वगैरह भी काफ़ी साफ़ था, और एज यू कैन सी कोई लोग भी ज़्यादा नहीं थे। तो पी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है यहाँ पे, बिकॉज शी जस्ट लव्स वाटर, पी इज़ अ वाटरी बेबी। तो हम भी इसको यहाँ पे छोड़ते थे इंजॉय करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे बैठने में। तो काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया, करीब आधा एक घंटा हम लंच के लिए हम गए थे मवाल मराठा। तो एम्बियंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, फूड भी बहुत अच्छा था, पी बहुत इंजॉय कर रही थी। पूरे में ही ग्रास वगैरह लगाया हुआ है ऊपर में, अगर आप जाओगे तो खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। एंड लुक एट दिस फिश थाली। तो यहाँ पे पॉम्फ्रेट फिश है, और काफ़ी भाकरी की रोटी है, बड़ी सी चावल वगैरह भी दिया था, तो काफ़ी अच्छा था।
Hey guys, so today is the checkout day और अभी बस वेबो बिलिंग कराना है तो इसके बाद हम निकल जाएंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग के 9। आई होप आपने लोनावला व्लॉग इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करिएगा। एंड या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।